सुजुकी बलिनो जो कि 5.5 साल पुरानी है, उसने 22 के MPL का माइलेज निकाल के दिया मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, एक्चुअली अभी मैं एक ट्रिप पे निकल रहा हूँ आज। इट्स ट्रिप इज अराउंड 120-150 किलोमीटर। तो आज मैं आपको लाइव टेस्ट दिखाने वाला हूँ कि बलेनो, मेरे पास जो कार है उसकी लाइव हम आज टेस्ट करने वाले हैं कि MID पे जो हमारी फिगर शो करती है उसके अंदर लाइव कितनी इसकी माइलेज निकल के आती है, जो कि 5 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम टेस्ट करने वाले कि 5 साल के बाद जो हमारी कार की एवरेज है वो कितनी निकल के आ रही है। ये हमारा जो स्ट्रेच रहने वाला है, इट इज अराउंड अभी 12-15 किलोमीटर मेरे को सिटी से बाहर निकलने में लगेंगे, उसके बाद आएगा हमारा हाईवे। तो ये दोनों का मतलब एक मिक्सचर होगा जो हमारी एवरेज निकल के आएगी, ठीक है। तो मैं आपको नीचे अपनी MID पे दिखा देता हूँ क्या फिगर्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा ट्रिप जो है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा जीरो, और उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है 11.2 के MPL की, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपकी एवरेज बहुत कम दिखा रहा है तो उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि आप अपनी कार खड़ी रखते हैं AC ऑन करके, ठीक है। तो वो आपको कैसे सेट करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, क्योंकि 11.2 दिखा रही है मेरी, एक्चुअल में 11.2 नहीं है ये, आराम से मेरी 15-16 की MPL होगी। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर मैं यहाँ पे आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। और अभी जो हमारी एवरेज दिखा रहा है 11.2 की, मैं इसको भी रीसेट कर देने वाला हूँ, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। आगे जैसे ही बढ़ते हैं उस हिसाब से जब हमारा ट्रिप ये खत्म होगा तो मैं आपको ये एवरेज दिखाऊंगा कि हमारी एवरेज कितनी निकल के आई है। ये जो हमने अपना ट्रिप सेट किया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट नहीं की अपनी जर्नी, जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर हम आगे पूरा आपसे बात करते हुए चलेंगे। टाइम यहाँ पे हो चुका है अराउंड 11:30 और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। अगर कोई भी कार से आप ज़्यादा माइलेज निकालना चाहते हैं तो जो सबसे एक बड़ा रूल आपको याद रखना होता है वो होता है जो आपका पैडल होता है, एक्सेलरेशन का पैडल, उस पर आपको हमेशा लाइट फुट से उसको ड्राइव करना रहता है, आपको कभी भी उसको हार्ड प्रेस नहीं करना है। और सबसे पहले यहाँ पे हम अपने पेट्रोल फिल करा लेते हैं अपनी कार के अंदर। जल्दी से एक पेट्रोल पंप की एक टिप दे देता हूँ, जब भी आप पेट्रोल फिल करा रहे हैं, डीजल फिल करा रहे हैं, तो आप हमेशा लीटर्स में फिल कराएं, इससे जो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। टाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं 11:58 हो चुका है और अभी करंटली मेरे को 17 के MPL की माइलेज दिखा रहा है, और जो टोटल ट्रैवल हमने अभी तक किया है वो है 12 किलोमीटर का हमने ट्रैवल कर लिया है यहाँ पे। और ये जो हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये है नेशनल एक्सप्रेस वे 1, ये हमारी कंट्री का फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस वे है। अब तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन चुके हैं बट ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेस वे है जो कि अहमदाबाद टू वडोदरा को कनेक्ट करता है। और अब फास्टैग जब से आ चुका है आपकी जो हमारी लाइंस हैं यहाँ पे लगनी है बहुत कम हो चुकी हैं, ये बहुत ही इजी टू क्रूज रहता है अगर आप हाईवे पे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं लगा और हम टोल से आगे निकल चुके हैं, और अब देखेंगे हमारा जो टाइम हो चुका है वो 12:11 हो चुके हैं और अभी एवरेज हमें दिखाई दे रही है वो है 18.6 का एवरेज हमें MID के ऊपर शो हो रहा है। और जैसे जैसे मैं हाईवे पे इसको 80-100 के बीच में चलाए जा रहा हूँ तो आप देखेंगे जो एवरेज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, 18.6 से अब 18.7 हो चुका है यहाँ पे, और ग्रेजुअली मैं बहुत ही लाइट फुट ड्राइव कर रहा हूँ, और ये देखिए 18.9 हो चुका है अब, और ऊपर नीचे ये थोड़ा बहुत होता रहता है जिस हिसाब से मैं एक्सेलरेशन करता हूँ। अब 18.8 हो चुका है जैसे आप देख रहे होंगे। टाइम हमारा अब हो चुका है 12:39 और एवरेज जो आपको दिखाई दे रही है MID पे वो 21.3 के MPL की आपको माइलेज दिखाई दे रही है, जो कि हमने अभी अचीव कर लिया, अभी 21.2 आपको दिख रही है, ठीक है। तो हम बहुत ही लाइट फुट से और हमारी स्पीड मेंटेन करते हुए 80-100 की उसके बीच में ही हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी जो माइलेज है वो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है धीरे धीरे से। और अगर आप देखेंगे जो हमारा टोटल अभी तक ट्रैवल हो चुका है वो 84 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है, उसके बाद हमें ये इतनी 21.7 के MPL की माइलेज आपको दिखाई दे रही है। टाइम हो चुका है 116 और जो MID पे माइलेज दिख रही है और 22 की है, हमारी जो हाईवे जर्नी है वो खत्म हो चुकी है। सो फाइनली आपने अभी बीच में जैसे देखा कि 22 तक का एवरेज मेरे को मिल गया था बहुत ही ज्यादा आराम से, हमारे जो किलोमीटर्स हैं वो हो चुके हैं 118.8, सो अराउंड 120 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है, और जो एवरेज अभी निकल के आ रही है अभी 21 थी, अभी क्योंकि AC ऑन है तो अभी 20.9 वापिस से दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम भी करें कि MID के अंदर जो हमें फिगर्स दिखा रही हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हैं, तो
फिर भी 20 के MPL का मैंने माइलेज है बहुत ही आराम से निकाला है, क्योंकि MID के अंदर 22 शो कर रहा है, तो अगर माने कि थोड़ा सा ऊपर नीचे तो भी 20 के MPL का अगर मेरे को माइलेज मिला है इस ट्रिप में 120 किलोमीटर्स के ट्रिप में, तो आप देख सकते हैं कि मारुति को क्यों माइलेज जो सबसे ज़्यादा कार्स देती हैं वो क्यों बोला जाता है। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से अपनी कार को ड्राइव करेंगे, और ये ट्रिप के दौरान मैंने जो अपनी स्पीड रखी थी वो 80-90 के अंदर ही रखी थी, मैं अपनी कार को ज़्यादा अपना पुश नहीं किया था, 100 के ऊपर मैं गया नहीं था, और 80 और 100 के बीच में मैंने मोस्टली अपनी कार को क्रूज किया था। तो आप देख सकते हैं कि 20 के MPL का माइलेज मेरे को अपनी बलेनो से मिल रहा है, जो कि 5.5 साल हो चुके हैं इस कार को, उसके बाद भी इतनी अच्छी एवरेज निकाल के दे रही है, क्योंकि कार को अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। तो आप जैसे अपनी कार को मेंटेन करके रखेंगे वैसा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट अ लाइक बटन, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।